बलिया में आने के बाद ओम प्रकाश राजभर यानी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ने अपना पत्ता खोल दिया है। कभी भाजपा के साथ गठबंधन मजबूत करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा का दामन थामा था। इस बीच विधानसभा चुनाव में मिली समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त के बाद जहां अखिलेश और ओपी राजभर के बीच तलाक हो चुका था, वहीं अब फिर से राजनीतिक कुनबे के छाये में आने को बेताब है। कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी तक ओपी राजभर को न ही विपक्ष के द्वारा पूछा जा रहा है और न ही भाजपा द्वारा कोई ग्रीन सिग्नल मिल रही है। इस बीच गाहे बगाहे भाजपा और विपक्ष दोनों को साधने वाले ओपी राजभर ने मायावती के साथ बैठने का मन बना लिया है। इस बीच 3 दिन पहले मऊ में आए ओपी राजभर ने जहां बसपा का गुणगान किया था, वहीं मायावती को भी विपक्ष की एकता की सीख दे डाली थी। बावजूद इसके कि मायावती अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रही है, वहीं दूसरी तरफ मायावती और सुभाषपा के ऊपर भाजपा की बी टीम होने का विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी न ही कोई कमाल दिखा पाई और न ही भाजपा के खिलाफ उनका दावेदारी रहा। अब ओपी राजभर क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी इनको पूछ नहीं रही, वहीं विपक्ष के गुट में इनका कुछ बन नहीं पा रहा है, तो अब मायावती को गाहे बगाहे अपने पाले में या उनके पाले में जाने की जुगत बना रहे हैं। इस बीच बलिया में आकर उन्होंने जो कहा, क्या किया इन्होंने, 13 सितंबर 2013 को दूसरा आदेश आता है कि प्रदेश में एक समान शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार लागू करे, क्या किया? हाँ, हिम्मत बोलने की, औकात नहीं है इस पे बोलने की। भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर दिल्ली उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्ताव भेजे। एक बार भी उनका नेता सदन में नहीं बोला, 5 बार अगर बोला तो ओम प्रकाश राजभर बोला। क्या बतियाएंगे, ये सब लोडर हैं, ये लोडर ही करते हैं। अब खाली MLC बनने के चक्कर में घूम रहे, कुछ नहीं है। तो इस बार कहाँ जा रहा है? अब आइए, टाइम आएगा बताएंगे कैसे गठबंधन बनेगा। देखिए, अभी फिलहाल भी आप नया गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल बहन मायावती जी से हम लोगों की वार्ता चल रही है और चाहे कोई गठबंधन बन जाए, जब तक 13% वोट वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी उस गठबंधन में शामिल नहीं होगी, तब तक कोई भी गठबंधन पूर्ण गठबंधन नहीं कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में चार खंड में अगर जो हम लोग देखा जाए तो चारों खंड में अलग अलग पार्टियों का अपना अपना प्रभाव है। पूर्वांचल में हमारा प्रभाव है, मध्यांचल और पश्चिमांचल और बुंदेलखंड में बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव है, समाजवादी पार्टी का प्रभाव है, और इधर आपके जैसे ही इधर बनारस, सोनभद्र, मिर्जापुर, इलाहाबाद, कानपुर पढ़ेंगे तो उधर अपना दल का प्रभाव है। तो उत्तर प्रदेश में जब तक संयुक्त रूप से सारे पार्टी के लोग एकत्रित नहीं होंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी को मात देना बड़ा मुश्किल। NDA अलग लड़ रही है, दूसरा जो गठबंधन है विपक्ष एकजुट हो रहा है, और उस विपक्ष के साथ आप और मायावती खड़े नहीं है, तो क्या माना जाए कि विपक्ष अलग लड़ेगा, BJP अलग, NDA अलग लड़ेगा और आप और मायावती एक साथ अलग चुनाव लड़ेंगे अगर आपका गठबंधन BJP के साथ नहीं होता है तो? राजनीति में माहौल कब बन जाए कोई ठीक नहीं है, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल में अपना दमखम दिखा चुकी है, इसलिए कोई भी दल हो, चाहे विपक्षी एकता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और चाहे बहन मायावती ही क्यों ना हो, ये हमारी ताकत का आकलन अच्छी प्रकार से कर चुके हैं, पत्रकार भाइयों ने भी कर चुका है, और जो चुनावी जो समीक्षाएं होती हैं वो भी कर चुके हैं। बिना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पूर्वांचल में किसी भी पार्टी को जीत हासिल करना बड़ा मुश्किल है। तो क्या आप मानते हैं कि गठबंधन में अगर बसपा नहीं आती है तो मजबूती नहीं मिलेगी? विपक्षी एकता में अगर गठबंधन में बसपा नहीं आती है तो फिर विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है, विपक्षी गठबंधन का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। आपकी पहली पसंद प्रधानमंत्री और मायावती है या फिर मोदी जी को देखते हैं? देखिए, हमारी पहली पसंद तो मायावती जी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से मायावती जी ने अपना शासन और प्रशासन चलाने का कार्य किया और गरीब जनता तक वो सुख सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया था, उसके बाद से कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हो पाया जो उस कार्य को कर पाया। मायावती जी हैं, हम कांशीराम जी के चेला हैं। कांशीराम जी ने कहा था कि दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए, सामान्य वर्ग हो गया, पिछड़ा हो गया तो दलित का नंबर है, और 13 प्रांतों में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार भी है, और दलितों में बड़ा चेहरा मायावती जी का है, कुशल शासक रही हैं। ये गुण
हमारी जो जानकारी में है ये मायावती जी के पास है और कोई दलित चेहरा ऐसा नहीं है जिसमें ये गुण विद्यमान है।